ले लिए, इसलिए हम जल्दी भजन में आ गए। थोड़े समय परमेश्वर का भजन को और हम जाएंगे, हम देखेंगे। और काफ़ी दिन के बाद प्रदीप भी आ गया। मैं सोच रहा ऐसे काफ़ी दिन के बाद आया, ऐसे तो आज घर पर बैठने के लिए बोला मगर आ गया। बहुत धन्यवाद, परमेश्वर बेटों को भी आशीष दे, अनुग्रह दे। आज दिन का समय हम जानते हैं हमारा भारत देश में जनता कर्फ्यू लगाया हमारा प्रधानमंत्री जी ने। और क्या हो गया हाँ ठीक है, और जनता कर्फ्यू लगाया और आज सुबह 7 बजे से लेकर कब तक है, आज 9 बजे तक, 14 घंटे ना, 14 घंटे जनता कर्फ्यू है। और सब लोग अपना अपना घर पे बैठ कर आराधना करते हैं, घर कलीसिया बोलते हैं, होम चर्च बोलते हैं। पहले शताब्दी कलीसिया में सब इस तरह कैसा चर्च था, होम चर्च से हॉल लेकर ऐसे नहीं था, घर का कलीसिया था। और भी बहुत दुख है, ताकि जैसे क्या बोलते हैं मसीह लोग खास करके पेंटेकोस्त का लोग है, पेंटेकोस्त कलीसिया के लोग कभी भी घर पर नहीं बैठे, चाहे कोई भी परिस्थिति में हो मिलकर आराधना करते चर्च में आकर। मगर परमेश्वर का वचन में लिखा है हमें हमारे अधिकारियों को हम अधीन है, हमारे राज्य का जितने नियम होते हैं नियम का अधीन हमें रहना है, ये वचन में भी लिखा है। इसलिए थोड़ा दुख है, ताकि हमारा संगति थोड़ा सा नहीं मिल पा रहे हैं, बाकी सब लोग घर पर बैठ कर प्रार्थना कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा परेशानी है। मगर हमें एक बात समझना, हर परिस्थिति में हम परमेश्वर को स्तुति करना, हालेलुया, हर परिस्थिति में हम परमेश्वर को स्तुति करना, हालेलुया, चाहे पौर्णमी में हो चाहे अमावासी में भी हो, हमें क्या करना है, परमेश्वर को स्तुति करना। आज सरकार इस प्रकार एक नियम दे दिया, बनाया, इसलिए हमें इसको मानना जरूरी होता है। दिल्ली सरकार, हमारे मुख्यमंत्री जी भी ऐसे बोला था, क्या बोलते हैं, सब लोग इसको मानना, नहीं तो उन्होंने कुछ एडिशनल स्टेप करेंगे, इस प्रकार बोल दिया, चेतावनी दे दिया। और एक हमारा अच्छाई के लिए है, ताकि ये वायरस किस तरीके से फैल रहे छूने से, और सोशल डिस्टेंसिंग बोलते हैं, कितना डिस्टेंस, 1 मीटर, 3 फुट या तो 1 मीटर दूर करके खड़े होना, इसलिए। और इसे क्या बोलते हैं, वायरस जो लोगों को नहीं फैलने के लिए इस प्रकार एक नियम सरकार ने बोला है, मगर हमें इसका अनुसार चलना भी जरूरी होता है। संगति में थोड़ा सा दिक्कत होते फेलोशिप, मगर प्रार्थना करेंगे परमेश्वर जल्दी से जल्दी इसी परेशानी को हमसे दूर करने के लिए प्रार्थना करेंगे। सबसे पहले 2 दिन बाद मैं बताना चाहता हूँ, घर कलीसिया आने वाले दिनों में इसी घर कलीसिया, अभी आज हम इधर आ गया, मगर बाकी हमारा भाई लोग कहाँ पर है, अपने अपने घर पर बैठ कर प्रार्थना करते हैं। पिछले दिनों में इसी से न्यूज़ आ रहा था, हमारा घर एक कलीसिया होना चाहिए, हमारा घर घर पे आराधना होना चाहिए, घर पे स्तुति होना चाहिए। पुराना समय पर भी ऐसे था, कुछ कुछ बातों को मैं अभी आपको बताऊंगा, उसके बाद वचन को और हम जाएंगे। प्रेरितों का किताब खोलेंगे, प्रेरितों का किताब अध्याय 2 उसका 3 वचन, प्रेरितों का काम 2 अध्याय 3 वचन, और उन्हें आपकी आपकी जीभें फटती हुई दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आठ हेरे। उससे पहले एक बार पढ़ेंगे, 1 से लेकर पढ़ेंगे। जब पिंटेकोस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह इकट्ठे थे, एक जगह पर इकट्ठे थे। कौन सी जगह पर इकट्ठे थे, पिंटेकोस्त नहीं, कौन सा जगह पर था, मरकुस का 18 में, यीशु मसीह का जो जितना चेले लोग हैं मिलकर मरकुस का 18 उनका घर है, मतलब घर कलीसिया है, ठीक है, पढ़ेंगे आगे, पढ़ेंगे आगे, पढ़ेंगे भैया। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी सनसनाहट का शब्द हुआ, तीसरे वचन पढ़ेंगे, दो भी पढ़ेंगे, 3 भी पढ़ेंगे, और उससे सारा घर जहां उससे सारा घर जहां वो बैठे थे, घर 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 सारा घर, मतलब पुराना पहले शताब्दी कलीसिया कहां पर आराधना करते थे, घर पे आराधना। आज हमारा सारा भाई बहनों कहाँ पर है, घर पे है, ठीक है, हमारा दशमपुरी वाला, ओखला वाला, तुगलकवाद गाँव वाला, सब लोग कहाँ पर है, घर पे बैठ कर प्रार्थना। इसलिए हमें थोड़ा सा दुख है कलीसिया में नहीं आने से, मगर दिक्कत नहीं होना, ताकि पेंटेकोस्त का दिन चले लोग कहाँ पर था, घर पे था। इसलिए अभी जितने लोग घर पे बैठ कर प्रार्थना करते हैं, निराश मत होना, घर पे बैठ कर प्रार्थना करते, तभी उसी घर पे क्या आ गया, पवित्र आत्मा आ गया। दूसरे वचन देखेंगे, प्रेरितों का काम 2 अध्याय 46
प्रेरितों का काम दूसरे अध्याय। प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठा होते थे हाँ। और घर घर रोटी हाँ, कहाँ पर था? घर 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 रोटी रोटी तोड़ना। रोटी तोड़ना मतलब क्या होता है? प्रभु भोज। वो कहाँ पर करते थे? घर घर पर। इसलिए हमें निराश नहीं होना, जितने भाई बहन लोग घर पर बैठे निराश मत होना, ठीक है? और घर घर बैठ कर क्या करते थे? रोटी तोड़ते थे। मतलब जो बाद में जो बड़ा बड़ा कलिसिया टाइप का रूम बन गया, बिल्डिंग बन गया, बिल्डिंग से पहले कहाँ करते थे? घर घर बैठकर रोटी तोड़ते थे, ठीक? इसलिए हम निराश मत होना, ठीक है? अगले वचन पढ़ेंगे, बारहवीं अध्याय बारहवीं वचन, प्रेरितों का काम बारह का बारह, बारह का बारह। और यह सोचकर वह उस योहन्ना की माता मरियम के घर आया, माता मरियम का घर पे मरकुस कहलाता है, जो मरकुस कहलाता है, योहन्ना का माँ मरियम के घर आया, मरियम का घर पे आया था हाँ, जो मरकुस कहलाता है, वहाँ बहुत लोग इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे थे। बहुत लोग इकट्ठे करके प्रार्थना, कहाँ पर था? घर पे। इसलिए घर पे बैठकर प्रार्थना करने के समय पर कोई किसी को ऐसे नहीं सोचना, अरे आज थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा, अजीब लग रहा, नहीं है, कैसे होना चाहिए, क्योंकि घर बैठकर प्रार्थना करते थे। पहले शताब्दी कलीसिया का हर एक बात तो प्रेरितों का किताब में लिखा है, वो लोग घर पे बैठ। मैंने कितने बात बताया? तीन बात बताया। चौथी बात लिखो, प्रेरितों का काम 16वीं अध्याय 40 का वचन, एक्ट ऑफ अपोस्टल्स चैप्टर 16 वर्स 40, अपोस्टल प्रवृत्ति 16:40। मेरे बहन भी ये वो देख रहे थे, मलयालम में बोल दिया। वे बंदीगृह से निकलकर लुदिया के यहाँ गए और भाइयों से भेंट करके उन्हें शांति दी और चले गए। फिर वो अफीस पुलिस, बस इतना काफी है। लुदिया का घर, लुदिया का घर, घर पर जाकर घर, ठीक है? अगले वचन पढ़ेंगे, पांचवी बात, रोमियो का पत्री अध्याय 16:13, रोमन्स चैप्टर 16:13, 16:13, रोमर को लेखन 16:13 वाक्य, रूफस को जो प्रभु में चुना हुआ है, लूक में जे रूफस को जो प्रभु में चुना हुआ है और उसकी माता को जो मेरी भी माता है, दोनों को नमस्कार। एक किसके बारे में लिखा है? अक्विला और प्रिस्किला के बारे में लिखा है। प्रेरितों के काम में दो व्यक्तियों के बारे में प्रेरित पौलुस ने जो उनको उनका बारे में बोलते हैं, अक्विला और प्रिस्किला के बारे में बोलने के समय उन्होंने क्या कैसे उन्होंने जो आदर के एक शब्द बताया, आगे पढ़ेंगे 16:13, अक्विला और फिलगोन और हिम्रेस और पत्रबास और हर्मास और उनके सात भाइयों को नमस्कार। ये एक घर का कलीसिया के बारे में लिखा है, वो घर का रेफरेंस है, आगे पीछे होगा, घर का कलीसिया के बारे में। तो 12 भी देखना, 12:13-14 तीनों में से एक ही में लिखा है, घर का कलीसिया के बारे में लिखा है। और कुरिंद कलीसिया में जब गया था तभी भी क्या करते थे? घर का कलीसिया था। पढ़ेंगे पहले कुरिंदियों का पत्री अध्याय 16:19, फर्स्ट कोरिंथियंस चैप्टर 16:19, पहले कोरिंथियों का पत्री अध्याय 16:19, आसिया का कलीसिया की ओर से तुमको नमस्कार, अक्विला और प्रिस्का और उनके घर के कलीसिया और उनके घर का कलीसिया, ये घर का कलीसिया, कुरिंथ में भी कलीसिया था और अक्विला और प्रिस्का का उनका भी घर का कलीसिया। सातवीं वचन पढ़ेंगे, कुलुसियों का पत्री अध्याय 4 उसका 15वें वचन, कुलुसियंस 4:15, कुलुसियों का पत्री लौदिकिया के भाइयों को और नुम्फास और उसके घर की कलीसिया को नमस्कार। किसके कलीसिया को है? घर की कलीसिया। ये सब जगह पर घर का कलीसिया का मतलब इन दिनों में आज सरकार का से हमें घर पे बैठकर प्रार्थना करना पड़ा, कभी भी चिंता मत करना, पहले शताब्दी कलीसिया घर पे बैठकर प्रार्थना करता था, घर का कलीसिया था, घर का कलीसिया, ठीक है? इसलिए हमें कभी डरने का जरूरत नहीं। आखिरी में आठवीं एक और सबूत को बोलकर मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, फिलेमोन का किताब दूसरे, फिलेमोन में केवल एक ही अध्याय होता है, फिलेमोन दूसरे वचन, केवल एक ही अध्याय होता है उसका दूसरे वचन, फिलेमोन दूसरे अध्याय
सॉरी पहले अध्याय, एक ही अध्याय होता है, दूसरे वचन का एक पहला अध्याय दूसरा वचन। और वही अफ्तिया और हमारे साथी योद्धा अरकिपुस और फिलेमोन के घर की कलीसिया का नाम। फिलेमोन के घर की कलीसिया का, घर की कलीसिया, फिलेमोन के घर में एक कलीसिया था। मतलब कलीसिया का मतलब परमेश्वर का लहू से खरीदा हुआ लोगों का झुंड है। अभी मैंने कितने बात बताया, 8 वचन बताया, ये सब घर का कलीसिया के बारे में। इसलिए इन दिनों में घर का कलीसिया में कलीसिया का जरूर भी होता है, हो सकता है कोरोना वायरस की वजह से, हो सकता है इस तरीके से कोई परेशानी आने के समय पर, हो सकता है आने वाले दिनों में भी घर पर बैठने के लिए बोलने के समय पर डरना नहीं, चिंता नहीं करना। घर कलीसिया में भी लोग प्रार्थना किया था, हाल जोर से बोल हालेलुया। इसलिए जितने भाई बहन लोग घर पर बैठकर प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर आपको भी आशीष दे, हालेलुया। हम जानते हैं अभी आज मंदिर बंद है, मस्जिद बंद है, गुरुद्वारा सब कुछ बंद है, मगर हमारा प्रार्थना तो बंद कर नहीं सकते। हाँ, इकट्ठे होना बंद कर सकते मगर प्रार्थना कभी बंद कर नहीं सकते, हालेलुया। इसलिए क्या करना पड़ेगा, हमारा घर एक कलीसिया बना, हमारा घर एक कलीसिया होना चाहिए, क्योंकि हमारा सभी के घर पे प्रार्थना होना चाहिए, हालेलुया। इसलिए हम जानते हैं परमेश्वर एक बिल्डिंग में नहीं रह रहे, अभी हम लोग आते हैं ठीक है, हम मिलकर प्रार्थना के लिए आते, मगर परमेश्वर इसी बिल्डिंग के अंदर नहीं रह रहे। परमेश्वर कहाँ पर रहते हैं, हमारा दिल पे, हालेलुया। हम जानते हैं कौन सा वचन है, कौन सा वचन में लिखा है, हमारे शरीर परमेश्वर का मंदिर है, पहले कुरिन्थियों 3:16। हाँ, ये वचन याद रखें, यूहन्ना 3:16 कौन सा है, पिता परमेश्वर जगत को ऐसे प्रेम रखा, पहले कुरिन्थियों 3:16 क्या होता है, क्या तुम नहीं जानते हो, ये सब कुछ याद रखना पड़ेगा। पहले कोरिन्थियों का पत्री 3:16-17 भी पढ़ेंगे, पहले कोरिन्थियों का पत्री। आपको धोखा न दे, यदि तुम में से कोई इस संसार में अपने आप को ज्ञानी समझे, पहले कोरिन्थियों को पढ़ रहे क्या, क्या तुम नहीं जानते कि, क्या तुम नहीं जानते हो कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो। हां, यही है, क्या तुम नहीं जानते हो कि परमेश्वर का, मतलब आगे पढ़ेंगे, परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। हां, इसलिए परमेश्वर का आत्मा कहां पर वास करता है, हम पर वास करता है, इसलिए मंदिर कौन है, हम में, हजारों से बुला ले, हम मंदिर है, इसलिए बिल्डिंग का अंदर नहीं वास करता है और हम खुद मंदिर है। 6:19 भी पढ़ेंगे थोड़ा सा, 6:19 पहले कर दो, अध्याय 6:19, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, क्या तुम नहीं जानते तुम्हारे देह पवित्र आत्मा का मंदिर, मतलब हम में मंदिर है। इसलिए हम घर पे बैठकर प्रार्थना करने में कोई दिक्कत नहीं, मिलकर आराधना करने के लिए परमेश्वर का वचन लिखा, मगर इस प्रकार एक अवस्था आने के समय पर इसमें कोई चिंता होने की जरूरत नहीं। एक और वचन पढ़ेंगे, पहले पत्रोस 2:4-5 पढ़ेंगे, हम तो जीवित परमेश्वर का मंदिर करके प्रेरित पत्रोस में लिखा है, पहले पत्रोस 2:4-5, पहले पत्रोस 2:4-5, उसके पास आकर जिसे मनुष्य ने तो निकम्मा ठहराया पर परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीवता पत्थर है, जीविता पत्थर। आगे पढ़ेंगे 4:5 पढ़ेंगे, तुम भी आप जीवते पत्थरों की नाई आत्मिक घर बनने बनते जाते हो। हम भी क्या कहते हैं, जीवते पत्थर, मतलब हम सब लोग क्या होते हैं, जीवते पत्थर का समान एक मंदिर बने, मतलब हम में जीवित आले, परमेश्वर का मंदिर कौन है, हम में हाल। इसलिए हम लोग दो या तीन कई नाम से इकट्ठे होते हैं, परमेश्वर हमारा साथ आता है। इसलिए जितने लोग घर पे बैठकर प्रार्थना करते हैं, हम विश्वास करेंगे, मत्ती का सुसमाचार 18 उसका 20 वचन पढ़ेंगे, मत्ती का सुसमाचार 18:20, मत्ती चैप्टर 18:20, मत्ती सुसमाचार 18:20। एक बार पढ़ेंगे बेटा, क्योंकि जहाँ पर दो या तीन मेरे नाम में इकट्ठा होते हैं, उनके बीच में परमेश्वर जोर से बोलो हालेलुया। इसलिए जितने लोग आज घर पर बैठकर प्रार्थना कर रहे हैं, हमारे भाई बहनों आपका बीच में परमेश्वर का उपस्थिति है, हमारे बीच में उपस्थित, ताकि कारण क्या होता है, हम यीशु मसीह का नाम से आए। जहाँ पर दो या तीन, यीशु मसीह ने ये नहीं बोला 100 लोग इकट्ठे हो जाए मैं आ जाऊंगा, 500 लोग नहीं, जहाँ पर दो या तीन, हालेलुया। इसलिए आज दिन का समय हम घर पर बैठकर प्रार्थना कर रहे हैं, चिंता करना, हमारे बीच में परमेश्वर का उपस्थिति है, हमारा यीशु मसीह के नाम से हम इकट्ठे हो गया, इसलिए हमारे बीच में परमेश्वर का उपस्थिति है, इसलिए आज परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करेगा, विश्वास कर लो। हालेलुया। अभी हम जानते हैं कोरोना के बारे में बोलने के समय पर महामारी बोले, सुना आपने, महामारी बोले, सुना ना,
महामारी बोले, महामारी, महामारी का बारे में अभी हम भजन संहिता पढ़ा था 91 91 का तीसरे भजन एक बार पढ़ेंगे। भजन संहिता 91 का 3 कोई भी पढ़ेंगे, जो जो घर पे बैठे अभी बाइबल खोले 91 भजन संहिता। वो तुझे पहले की चाल से और महामारी से बचाएगा। हाँ, इधर एक क्या शब्द लिखा है, महामारी, महामारी। अभी कोरोना वायरस के बारे में न्यूज क्या आते हैं, महामारी, महामारी के बारे में बता दूंगा। 6 भी पढ़ेंगे, 6 91। ना उस मरीज से जो अंधेरे में फैलती है और ना उस महारोग से। हाँ, इधर महारोग लिखा है, महामारी करके लिखा है। हालेलुया। मगर हमें, हमारा, हमें एक आशा है, जो भी कुछ महामारी हमारे जीवन में आया, हमें छुटकारा देने वाला एक परमेश्वर। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। इसलिए हम क्या करना पड़ेगा, हम प्रार्थना करना। महामारी आएगा मगर हमें, हम प्रार्थना करने के लिए तैयार है तो परमेश्वर हमें छुटकारा देगा। मगर हम जानते हैं हमारा सरकार, दो तीन दिन पहले हमारा प्रधानमंत्री जी ने बोल दिया जनता कर्फ्यू, उसके बाद हमारा मुख्यमंत्री केजरीवाल, केवल दिल्ली में नहीं पूरा भारतवर्ष में आज जनता कर्फ्यू है। और वो लोग काफ़ी मेहनत करते हैं, सरकार मेहनत करते हैं इसी बीमारी को इधर से हटाने के लिए, निकालने के लिए कोशिश कर रहे हैं। इसलिए हम क्या करना पड़ेगा, हम उनके लिए भी प्रार्थना करना है। और दूसरी बात है, हमारा राज करने वालों के लिए हमें प्रार्थना भी करना। ऐसे नहीं कोई राजनीति नहीं है, अभी कोई महामारी आने के समय पर कौन बोल दिया, कौन सा राजनीति का, वो पॉलिटिकल पार्टी में कोई मतलब नहीं। हम क्या करना पड़ेगा, हमें प्रार्थना करना। पहले तिमोथियुस का पत्री पढ़ेंगे, पहले तिमोथियुस दूसरे अध्याय, पहले और दूसरे वचन पढ़ेंगे। फर्स्ट तिमोथी चैप्टर 2 दूसरे अध्याय 1 और 2 पढ़ेंगे। पहले तिमोथियुस का पत्री दूसरे, उसका पहले और दूसरे आयत पढ़ेंगे।